लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम हिंदुस्तानी नौजवान को गुमराह करके उनके खून से तो होली खेल सकते हो, लेकिन हिंदुस्तानी पुलिस के सीने से गोली पार नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें अपना सीना खोल कर इस राम से युद्ध लड़ना होगा। तुम्हें सीना खोल के दिखाओ, बताओ कितनी ताकत है तुझमें। हिंदुस्तानी नौजवान को गुमराह करता है, इस देश के टुकड़े करेगा तुम, देश फैलाएगा, ये बास्टर्ड। बल्लू कहाँ है? थी इस नई दुनिया का आरंभ है रोशी। राम साहब, बल्लू के साथी बल्लू को उठाकर किसी गुप्त जगह पर ले गए हैं। नहीं। Yes, I am the boss now. अब मैं बॉस बन गया मैं। जी हाँ बल्लू दादा, सिंगापुर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अब से आपको ही हमारा नेता बनाया है, और आपको यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का भी इंतजाम किया है, जो चंद मिनटों में यहाँ पहुंच रहा है। यानी कि मैं सबसे बड़ा खलनायक बन गया। लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने से पहले इस अखबार में छपी हुई खबर जरूर पढ़ लो। क्यों? ताकि तुम्हें अपनी बीती हुई यादों पर अफसोस ना रहे कि तुम्हारी माँ क्या चाहती थी। अरे रोशन तू पढ़। गंगा और बल्लू के नाजायज संबंध, अब यह बात साबित हो चुकी है कि गंगा ने बल्लू के प्रेम जाल में फंस कर उसकी जान बचाई और पुलिस और अपने देश से गद्दारी की। गंगा ने बल्लू को बचाया, इसी कारण से आज गंगा को पूरे देश ने देशद्रोही करार दिया है। यहां तक कि रामसेना भी उस पर लगाए हुए कलंक को मिटा नहीं सका। वो भी उसे त्याग देने का विचार कर रहा है। गंगा के इस केस का आखिरी फैसला अदालत कल करेगी, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होगी। सारांश यह है कि आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। और राम को बदनाम रावण के साथ रही। आज की सीता बदनाम रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। रावण के साथ रही। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। रावण के साथ रही। आज की सीता राम रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। रावण के साथ। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। आज की सीता रावण। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। आज की सीता। आज की सीता रावण के साथ राम को बदनाम और राम को बदनाम किया। आज की सीता। आज की सीता रावण के साथ। गंगा देवी ने नैतिक और कानूनन, मॉरल एंड लीगल दोनों गुनाह किए हैं। इस बिना पर अदालत उन्हें 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा देती है। मत रुको। क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ ना कानून दे सकता है ना पुलिस। अगर कोई इंसाफ दे सकता है
तो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, और आज ये बात इस हैवान को समझ आ गई ऑनर। तुम बल्लू? जी मैं बल्लू बलराम। योर ऑनर, मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो भी है, वो खड़ी वो औरत मेरी माँ है, माँ है मेरी। और आज मैं उस माँ की कसम खा के कहता हूं कि गंगा पवित्र है, सीता की तरह पवित्र है ये ऑनर। इसकी एक एक बूंद में राम समाया था और है। और राम जो सचमुच में राम है, भारत का सच्चा पुत्र है ये ऑनर। हम हमेशा ये समझते थे सरकार कि पुलिस और कानून गोली मारने और फांसी देने के सिवाय और कुछ नहीं जानता, पर नहीं, आज भी इस देश में ऐसे राम है, ऐसी गंगा है, जो मेरी तरह समाज से निकाले गए खलनायक को जिंदगी देने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं, सब कुछ। गंगा पर लगाए गए हर इल्जाम का गुनहगार मैं हूं सरकार। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन इस सीता को अपने राम से जुदा मत कीजिए, मत कीजिए सरकार। खलनायक में एक नायक छुपा हुआ होता है। देखो आज तुम नायक बन गए। चलो All in the family। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू आपकी जेल से। कौन से साल ये मुझे नहीं मालूम। All in the family। राम सिन्हा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता।